हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको डेमो देने जा रही हूँ ऊषा स्टिच मैजिक मशीन का। ये इस मशीन का रिव्यू भी होगा और डेमो भी मैं इसी में वीडियो में दूंगी। ये इसका कवर है, बहुत ही अच्छा फाइबर है इसका। ये है हमारी ऊषा जेनोम स्टिच मैजिक मशीन, बहुत ही अच्छा फाइबर है इस मशीन का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस मशीन में। यहाँ पर सारे स्टिचेस दी हुई हैं, जितनी स्टिचेस हम इसमें कर सकते हैं वो सारे स्टिचेस नंबर्स के साथ दी हुई हैं। यहाँ हमारा ये स्टिच विड्थ के लिए बटन दिया हुआ है और ये स्टिच लेंथ के लिए बटन दिया हुआ है। नीचे की साइड में ऑरेंज मार्किंग के साथ जो स्टिचेस की हुई हैं, इनको करने के लिए हमें इस बटन को यहाँ पर लेकर आना होता है। ये हमारा रिवर्स डायल है, ये हमारा स्टिच पैटर्न, यहाँ जो भी ए बी सी डी जो भी नंबरिंग दी हुई है उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा पैटर्न सेलेक्टेड डायल है। यहाँ पे हम ये हमारा बॉबिन बाइंडर दिया हुआ है और ये हमारे थ्रेड्स को लगाने के लिए पिंस दी हुई हैं, दो पिंस दी हुई हैं। बहुत ही इजीली बॉबिन बाइंड हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है इससे। यहाँ पर हमारा थ्रेड टेंशन डायल है, नीचे आएंगे ये ऑटोमेटिक थ्रेडर है, ये हमारा ऑटोमेटिक थ्रेडर है, इसको नीचे करने से निडल में थ्रेड ऑटोमेटिकली डल जाता है। ये हमारा प्रेशर फुट है, नॉर्मल स्टिचिंग प्रेशर फुट, इसको अलग करने के लिए यहाँ पर बैक साइड में यहाँ पर जो लीवर दिया हुआ है, इस लीवर को हम अगर हल्का सा पुश करेंगे तो ये हमारा फुट बहुत ही इजीली निकल जाएगा और दूसरे फुट को हम यहाँ एडजस्ट कर सकेंगे। ये हमारा प्रेशर फुट अप डाउन करने का लीवर है, यहाँ पर ये वाला लीवर प्रेशर फुट अप डाउन करने के लिए है। मशीन पे इस साइड में ये हमारा थ्रेड कटर दिया हुआ है, इससे हम स्टिच करते समय बहुत ही इजीली थ्रेड को कट कर सकते हैं। स्टिचिंग स्टिच डिजाइन के इस साइड में हमारी हैंड व्हील दी हुई है, इस पर ये हैंड व्हील है, इसके थ्रू जब भी हम इसको मूव करेंगे हमारी निडल अप डाउन होगी इस तरह से। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये पावर बटन दिया हुआ है, ये पावर बटन है और यहाँ पर हम अपना फुट अटैचमेंट करेंगे। ये हमारा फुट दिया हुआ है जिसके थ्रू हम अपनी मशीन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आइए इसका अटैचमेंट करते हैं। सबसे पहले हम ये पिन जो दी हुई है इसको हम अपनी मशीन में यहाँ पर फिट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम प्लगिंग करेंगे मेन कनेक्शन से, इस तरह से प्लगिंग करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे हमारी मशीन पे यहाँ एक परमानेंट एलईडी लाइट है, वो जलने लगेगी। अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि बॉबिन में थ्रेड कैसे फिल करते हैं। बॉबिन में थ्रेड फिल करने के पहले मैं आपको ये एक्सटेंशन बोर्ड निकाल करके दिखाती हूँ। इस एक्सटेंशन बोर्ड पे ऑलरेडी मेजरमेंट्स बनी हुई हैं, जिससे छोटी मोटी स्टिचिंग करने के लिए मेजर करना होता है तो हमें इंची टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक्सटेंशन बोर्ड को इस साइड की तरफ पुश करते हुए हम बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। इसके अंदर ये हमारा केस दिया हुआ है जिसमें हमारे बॉबिन्स हैं और
इसी के साथ हमारा प्रेशर फूड भी है, इसके साथ जो जो एसेसरीज मिली है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये है स्क्रूज को ओपन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर है छोटा सा, साथ ही इसके साथ हमें 4 बॉबिन्स मिली हैं। ये हमारा पीको फुट है, ये देखिए ये हमारा पीको फुट है, ये हमारा जिपर फुट है और ये हमारा बटन होल फुट है। इसके साथ ही हमें 4 एक्स्ट्रा निडल्स और एक डबल निडल मिली है। दिखाती हूँ मैं आपको डबल निडल कैसे होती है, सिंगल निडल्स तो आपने ज़रूर देखी होंगी। ये हमारी देखिए ये डबल निडल है जिससे हम डिज़ाइनिंग को और भी बेटर तरीके से अलग अलग शेप्स में कर सकते हैं, और अगर हम सिंपल स्टिचिंग भी करेंगे तो इसमें 2 स्टिचेस बहुत ही आसानी से एक साथ हम कर सकते हैं। इसके साथ मशीन में ऑयलिंग करने के लिए ये ऑयल भी दिया हुआ है और ये हमारा सीम रिपर दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सीम रिपर है, ये फैब्रिक को बहुत ही आसानी से कट कर देता है। इस सीम रिपर का यूज़ हम बटन होल बनाने में भी करते हैं और सीम्स को निकालने में भी करते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्टिच की हुई है इसको बहुत ही ईजली हम इस तरह से सीम रिपर से कट करके बहुत ही ईजली से सीम्स को ओपन कर सकते हैं। फैब्रिक में भी ये बहुत ही अच्छे से ये कट कर सकता है, बटन होल करने के लिए बहुत ही ईजली बस इसमें इस तरह से इसे इंसर्ट करना है और हल्का सा पुश करने से ही ये बहुत ही ईजली बटन होल के लिए फैब्रिक को कट कर लेता है। अब हम आपको बॉबिन में थ्रेड फिल करके दिखाते हैं। बॉबिन में थ्रेड फिल करने के लिए हमें इस पिन को ऊपर करेंगे, यहाँ पे हमें थ्रेड लगाना है, इस थ्रेड को इस पॉइंट से हम टर्न करते हुए इस तरह से सबसे पहले हमें अपने बॉबिन में हाथों से एक या दो राउंड हल्का सा थ्रेड को फिल कर लेना होगा। इस तरह से हल्का सा फिल कर लेंगे, फिर हमारे बॉबिन में ये जो छोटी सी मार्किंग दी हुई है इस मार्किंग को हम बॉबिन थ्रेडर के इस पिन के साथ मिलाकर लगा देंगे और इस पिन को हम इस साइड पुश कर देंगे। इस तरह से हम इसे इधर पुश कर देंगे। अब हम अपने फुट को प्रेस करेंगे, इस तरह से हमारे बॉबिन में थ्रेड बहुत ही इजीली फिल हो जाएगा। प्रेशर फुट को जितना तेजी से हम दबाएंगे ये उतनी ही तेजी से इसकी स्पीड होगी, साथ ही में जब हम बॉबिन फिल करते रहेंगे उस कंडीशन पे हमारी निडल स्टॉप हो जाती है। ये मुझे बहुत ही पसंद आया, जो कि नॉर्मल मशीन में ऐसा नहीं होता। अब हमारी बॉबिन फिल हो चुकी है, फुट को हम पैरों से छोड़ेंगे, इस पिन को वापस इस साइड मूव करेंगे और बॉबिन को निकाल लेंगे, थ्रेड कटर से थ्रेड को कट कर लेंगे। हमारी बॉबिन, अब हम बॉबिन केस में बॉबिन को लगाकर दिखाते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर हमारा बॉबिन केस है, बॉबिन केस निकालकर उसमें हम बॉबिन को लगाएंगे और इस तरह से थ्रेड को जैसा नॉर्मल मशीन में लगाते हैं वैसे ही बॉबिन केस में लगा लेंगे और यहाँ पर बॉबिन केस को हम इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए अब हम इसका कवर इस तरह से क्लोज कर देंगे। ये यहाँ पर जो पिन दिया हुआ है ये हमारे प्रेशर फुट के नीचे जब एम्ब्रॉयडरी करनी होती है तो इसके इस चीज को यहाँ से इसे जब एम्ब्रॉयडरी करते समय हमारे ये जो है बहुत ही फैब्रिक को आगे पीछे करने में परेशान
परेशानी होती है हमें इसे नीचे करने के लिए, ये पिन दी हुई है, इसे इस साइड करने से ये ऑलरेडी डाउन साइड में चले जाते हैं और ये वर्क नहीं करते, जिससे हम बहुत ही इजीली एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अभी हम स्टिचिंग करेंगे, इसलिए हम इस पिन को इस साइड मूव कर देंगे। अब हम आपको निडल में थ्रेड कैसे डालते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट से थ्रेड को नीचे ले जाएंगे। यहाँ ऑलरेडी नंबरिंग की हुई है, आपको निडल में थ्रेड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नंबर वन से थ्रेड को नीचे करते हुए नंबर टू से थ्रेड को राउंड टर्न करके ऊपर लाएंगे, नंबर थ्री से यहाँ से इस पिन में थ्रेड को टर्न करके नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर थ्रेड फंसाएंगे। हमारे निडल के जस्ट ऊपर भी एक पिन है, उसमें थ्रेड को इस तरह से फंसा देंगे। अब अगर हमें ऑटोमेटिक थ्रेडर का यूज करना है तो हमारी निडल टॉप पॉइंट पर होनी चाहिए। अब हम ऑटोमेटिक थ्रेडर को नीचे करेंगे इस तरह से, और थ्रेड को निडल के सामने ले जाएंगे, बस इस तरह से थ्रेड को निडल के सामने ले जाएंगे और ऑटोमेटिक थ्रेडर को छोड़ देंगे। ये देखिए, ऑटोमेटिक थ्रेडर के यूज से ये देखिए बहुत ही इजीली आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो हमारा थ्रेड ऊपर की साइड गया है ये ऑटोमेटिक थ्रेडर के यूज से ऐसा हुआ। इस थ्रेड को हम हाथों से पकड़कर खींच लेंगे, हमारे निडल में ऑटोमेटिक थ्रेड इंसर्ट हो चुका। अब हम बॉबिन में से थ्रेड को निकालेंगे, जैसा हम नॉर्मल मशीन्स में निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह से बॉबिन में से थ्रेड को हम ऊपर ले आएंगे। हमें यहाँ पर नॉर्मल स्टिचिंग करनी है, इसके लिए अभी हम सेलेक्टर को ए पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ए पर हमारी नॉर्मल स्टिचिंग होती है। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हम सेलेक्टर का यूज करें हमारी निडल हमेशा ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी निडल नीचे की साइड में होगी तो सेलेक्टर यूज करते समय वो टूट सकती है। अब हम सेलेक्टर को ए पर ले जाएंगे, इससे हमारी नॉर्मल स्टिचिंग होगी। यहां से हम अपनी स्टिच लेंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी ज्यादा स्टिच लेंथ सेलेक्ट करेंगे उतनी बड़ी बड़ी स्टिचिंग होगी, जैसा यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। मैं इसे 3 पर सेलेक्ट कर रही हूँ। आइए स्टिचिंग करके देखते हैं कैसे स्टिचिंग आती है। कपड़े को फुट के नीचे दबाते हुए प्रेशर फुट लेग फुट से फुट प्रेस करेंगे और मशीन हमारी ऑटोमेटिकली स्टिच करना स्टार्ट कर देगी। अभी ये स्लो स्पीड है, जितनी जोर से हम फुट दबाएंगे उतनी जोर से हमारी स्टिचिंग होगी, उतनी ज्यादा स्पीड होगी हमारी स्टिचिंग में। ये देखिए, ये 3 नंबर की स्टिचिंग है, बहुत ही अच्छी स्टिचिंग हुई है इसकी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है। अब हम आपको zigzag पैटर्न की स्टिच सेलेक्ट करते हैं, जो कि नंबर सी में है। सी पर हमारा zigzag पैटर्न है, अगेन निडल हमारी टॉप पर होनी चाहिए। पैटर्न सेलेक्टर से हम सी को सेलेक्ट करेंगे, स्टिच लेंथ हम नंबर 2 पे सेलेक्ट करते हैं, स्टिच विथ हम नंबर 5 पर ही रखेंगे। ये स्टिच विथ इस तरह से आएगी हमारी। आइए देखते हैं कैसे स्टिचिंग होती है। कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हैंड व्हील को मूव करके 1-2 स्टिच हैंड व्हील के थ्रू ले लेनी होती है। उसके बाद अगर हमारी निडल फ्री होती है तब हम फुट दबा करके स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
देखिए, ये हमारा zigzag पैटर्न बहुत अच्छा और क्लियर बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। आप किसी भी एम्ब्रॉयडरी को करने में बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। अब हम अपने पैटर्न सेलेक्टर को ई पर सेलेक्ट करते हैं। हमारा डी सेलेक्टर भी सेम zigzag पैटर्न जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। पैटर्न सेलेक्टर को ई पर सेलेक्ट करते हैं। स्टिच लेंथ और स्टिच विड्थ हम सेम रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसी भी एम्ब्रॉयडरी करिएगा उसके अकॉर्डिंग स्टिच लेंथ और विड्थ आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारे स्टिचिंग में वो डिफरेंस दिखेगा। निडल हमारी ऊपर की तरफ है, पैटर्न सेलेक्टर को ई पर सेलेक्ट किया है। पहले हैंड व्हील से एक स्टिच निडल की यूज कर लेंगे। हमारी निडल फ्री हो चुकी है। अब हम फुट को प्रेस करेंगे। ये देखिए, पैटर्न सेलेक्टर ई सेलेक्ट करने पे हमारी स्टिचिंग इस तरह से आई है। अब हम आपको पैटर्न सेलेक्टर आई सेलेक्ट करके दिखाएंगे। ये सारे स्टिचेस बिल्कुल वैसे ही आएंगी जैसा कि इसमें मेंशन्ड है। सारे स्टिचिंग दिखाने से हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मेन मेन स्टिचेस दिखाती हूँ आपको। अब हमें निडल को वापस ऊपर रखना है। पैटर्न सेलेक्टर को आई पर, ये वाली स्टिचिंग करने के लिए आई पर करेंगे इस तरह से। स्टिच लेंथ को हम काफी कम कर देंगे, इसी से हमारी ये स्टिचिंग बहुत ब्यूटीफुल लुक आएगी इसकी। स्टिच विड्थ हमारी फुल पर रहेगी और स्टिच लेंथ हम कम कर देंगे। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हैंड व्हील से हम निडल को एक दो बार अप डाउन करके चेक कर लेंगे। याद रहे, जब भी आप पैटर्न सेलेक्टर का यूज करें एक बार निडल को चेक जरूर करें। अब हम फुट प्रेस करके स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी फैब्रिक को, अगर हमें स्ट्रेट करनी है स्टिचिंग तो फैब्रिक हमारा बिल्कुल भी हमें उसे टच करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से स्ट्रेट लाइन में ये एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी इस तरह से। देखिए, अब हम इसी एम्ब्रॉयडरी को आपको स्टिच लेंथ बढ़ाकर दिखाते हैं। स्टिच लेंथ ये हमने 1 और 2 के बीच में मेंशन की है। अब देखते हैं ये कैसे स्टिचिंग हो रही है। ये देखिए, ये हमने स्टिच लेंथ बढ़ाई तो इसमें बस हल्का सा कर्व लेकर के स्टिचिंग काफी दूर दूर हुई है। मुझे ये स्टिचिंग इसी सेलेक्शन पे होती अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल सी, जहां हम स्टिच लेंथ को 1 और 0 के बीच में सेलेक्ट करते हैं और स्टिच विड्थ हम 5 पे सेलेक्ट करते हैं। अब हम आपको पैटर्न सेलेक्टर से जे सेलेक्ट करके दिखाते हैं। ये हमने जे सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब हम स्टिच करके देखते हैं।
पैटर्न सेलेक्टर जे की स्टिचिंग इस तरह से आएगी। अब हम पैटर्न सेलेक्टर को के पर सेट करते हैं, ये हमारे के में इस तरह की स्टिचिंग आएगी। मशीन की स्पीड बहुत ही अच्छी है। स्लो स्टिचिंग के लिए फुट को हल्का सा प्रेस करेंगे, फास्ट स्टिचिंग के लिए फुट को और भी ज्यादा प्रेस करेंगे। इस तरह से हम अपनी स्टिचिंग बहुत ही कम समय में विदाउट टाइम वेस्टिंग के एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग कर सकेंगे। तो ये देखिए, हमारा पैटर्न सेलेक्टर के से हमें इस तरह की स्टिचिंग मिलती है। बहुत ही क्लियर स्टिच है ये और बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। इस तरह से अलग अलग स्टिचिंग का यूज करके आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही दिखाऊंगी। नीचे की स्टिचिंग में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और बटन होल मेकिंग भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही शो करूंगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उषा स्टिच मैजिक मशीन से एम्ब्रॉयडरी करना बहुत ही इजीली हो जाता है और स्टिचिंग भी बहुत ही फास्टली हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।